हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के प्रस्पेक्टिव से। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, हाउ इज एमरजेंस ऑफ द सोशियोलॉजी लिंक्ड विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 कॉन्ट्रीब्यूट टू एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द राइज ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द एमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द पायनियर्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड्स, दीज ऑल आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को रेडी कीजिए, आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप ये सभी क्वेश्चंस रेडी करते हैं। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वे अपने एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स से पास करें। ओके, सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज एक्सप्लेन द एमर्जेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप and the differences between sociology and anthropology. Question number 9, discuss the relationship of the sociology and social anthropology with the special reference to India. What do you understand by psychology? Question number 11, explain the historical development of social psychology. Question number 12, explain the concept and the methods of sociology used in social psychology. What do you understand by history? Discuss the relationship between sociology and history. Question number 14, discuss the differences between sociology and history. Question number 15, what are the common issues concerning for both the sociology and economics? Illustrate your answer with the suitable example. So question number 16, what is political science? Discuss changes in the political science in the last couple of the decades. Question number 17, discuss relationship between sociology and political science. Question number 18, what do you understand by the political sociology? Distinguish between political sociology and the sociology of the politics. Okay, so these two are the different terms, so you have to distinguish between them. Question number 19, what do you mean by the culture? How the culture is different from the society? Explain the relationship between culture and biology. Friends, these are the 20 questions in this video I have come up for you all. And now I'll also show you the book जहाँ से आप इनको refer कर सकते हैं, इनके answers को refer कर सकते हैं. Friends, आप सभी चाहते हैं अपने examination में अच्छे marks पाना, तो आप definitely इस book को refer कर सकते हैं. हिंदी और English दोनों medium में ही book available है. आप देख सकते हैं discounted price पर available है. सभी topics cover किए गए हैं, साथ ही साथ previous year के solved question paper and sample papers भी available हैं. Examination के लिए बहुत कम समय बचा है कोर्स कंप्लीट कर सके. अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कंटेंट चाहिए जिसे पढ़कर आप एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स से पास कर सकें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. अगर आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी. बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.